Varajat Chatterji and myself were very, very proud to have attended a session in the House of Commons in the UK Parliament celebrating Accession Day, which falls on the 26th of September. Maharaja Hari Singh Ji had signed this instrument of accession, and about 8 years ago, the Indian diaspora, along with the Dogra community in Jammu, that resides in the UK, had made sure that this was recognized in the Parliament. They actually took out the original copy of this document and gave it to the MPs in the UK. And 8 saal pehle bhi, my husband and I, we went to the same House of Commons and the House of Lords, and we were able to declare this day officially in the UK as the accession day to Jammu Kashmir. Now my husband will tell you the rest. It was a real honor to be in the house, and we were very well received. There was a large contingent of people there, and quite a few MPs. Bob Blackman has been supporting Jammu Kashmir, as everybody knows. He's been here also many times. But apart from him, there was Jonathan, MP Jonathan, and there was also Teresa, and there was also our Indian representative in Parliament over there, MPs, and lots of prominent people. The important part this time was there was also very good representation from PU, Pakistan Occupied Kashmir. And unhone bahut acha bole. They spoke very well and very much in favor of Maharaja Hari Singh Ji. And it was really a proud moment for us. सबसे अहम बात ये है कि जैसे अभी डॉक्टर रितु सिंह जी ने कहा कि काफी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे उन्होंने हमको ऑनर किया और ये एक्सेप्ट किया कि जो एक्सेशन है, जिसके बारे में कई टिप्पणियां होती हैं कि एक्सेशन हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, लेट क्यों हुआ, वो सब हमने वहां पे क्लियर किया. उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा. और जो मेरी स्पीच थी उससे अहम एक और चीज़ हुई कि जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं और जो कम्युनिटी है, उनकी एक लार्ज कंटिंजेंट वहां पे थी. तो लगभग 100-150 लोग आए थे वहां पे, जिन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट रखा और एक किताब निकाली है, द रिजिलियंस. और इस किताब में 30 ईयर्स और इतना जो उन्होंने भुगता है कि लोगों को इसके बारे में पता लगे. हाल ही में इसराइल और गाजा में लड़ाई चल रही है, हाल ही में रूस में और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, पर वो तो अभी शुरू हुई है. 30 साल से जो हमारे अंदर लड़ाई चल रही थी उसके बारे में इन्होंने लिखा है. जैसे इन्होंने भी कहा कि सबसे खुशी मुझे ये हुई कि हजारों की तादाद में POJK के जो हमारे भाई हैं वो आए और उन्होंने एक चीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कही कि 47 के पहले हम लोग आजाद थे, 47 के पहले हम आजाद थे महाराजा हरि सिंह के रूल में, पर 47 के बाद जो हमारी हालत हुई है, कई MPs जो थे मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आए. क्योंकि मैं आपको 2-3 छोटी सी चीजें बताऊंगा कि POJK में पाकिस्तान में जितना भी पैसा आ रहा है वो POJK से आ रहा है. 3 डैम्स हैं वहां पे, जहां पे लगभग $5 बिलियन की इनकम जो है पाकिस्तान को मिलती है, पर वहां पे 18 घंटे का कट है POJK में. ना स्कूल है, ना कॉलेजेस हैं, ना हेल्थ सिस्टम है. और जो लेडीज हैं उनको सुबह 7 बजे निकलना पड़ता है और 8-10 घंटे खड़े होकर उनको आटा, चावल, चीनी और ये मिलता है. तो वो यही कहना चाहते थे हमारे माध्यम से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी जी को, अमित शाह जी को बताया जाए कि जो उन्होंने एक कहा था किसी टाइम पे कि POJK जो है हमारे पास वापस आना चाहिए, वही उन लोगों की मांग थी. और ये सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस अब मार्च में रखी है जिनीवा में, जिसमें वो कम से कम 70-80 कंट्रीज के लोगों को बुलाएंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है और जिस तरीके से नाजायज कब्जा वहां पे है वो नाजायज कब्जा छूटना चाहिए. महाराजा हरि सिंह जी के बारे में एक लंबी हमने वहां पे कुछ चीजें देखी, सुनी, जो हमारे पास नहीं थी. अद्भुत बात यह है कि जो डॉक्यूमेंटेशन और जो डॉक्यूमेंट्स यूके पार्लियामेंट में है वो हमारे पास भी नहीं है. तो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के जिस तरीके से उन्होंने जो हमारी एक सभ्यता है उसको उन्होंने बड़ी एक तरीके से उसको संभाल के रखा है. तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सब लोगों का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए. दिवाली है,
पूरे जम्मू को और सब लोगों को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।